नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका विनिंग एज स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और कुछ बच्चों के लास्ट क्लास में कुछ डाउट रहे थे, तो उन डाउट को पहले मैं कवर कर देता हूँ, फिर मुझे आगे बढ़ना था। आज 3.2 खत्म करा देनी थी, तो जरा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले कुछ बच्चों ने मुझे डाउट भेजा, पहले मैं वो डाउट दिखा दूँ। जैसे 10 19 पाई बाई 4, तो इसमें डाउट जैसा तो मुझे कुछ लग नहीं रहा, ठीक है। हाँ 10, हाँ जी 19 पाई बाय 4 है, तो मैं इसे 5 पाई माइनस में पाई बाय 4 लिख सकता हूँ। क्यों? 5 4 जा 20, 20 माइनस 1 19, ऐसे ही होगा। अच्छा, अब समस्या ये आती है कि सर इसको मल्टीप्लाई में कैसे लिखे। समस्या यही आती है कि सर इसको मल्टीप्लाई में कैसे लिखे। भाई 2 इंटू 2 हो जाता 4, ठीक है, 2 इंटू 3 हो जाता 6, लेकिन 5 का तो कोई चारा है नहीं। तो प्यारे बच्चों देखो, मैं बताता हूं इसमें करना क्या होता है। जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भाई मुझे इतना बताइए, ये कौन है 0, ये कौन है पाई बाय 2, मतलब 90, यही है ना। और ये कौन था आपका पाई, ये कौन था 3 पाई बाय 2, और ये कौन था 2 पाई, यही था ना कुछ। अच्छा, यहां पे दिख क्या रहा है आपको? 5 पाई। क्या दिख रहा है आपको? 5 पाई। तो 5 पाई का मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिए। भाई 5 पाई का मतलब 1 पाई यहां तक हुआ, ठीक है, फिर घूम के आएंगे दूसरा पाई, फिर घूम के आएंगे यहां पे तीसरा पाई, चौथा पाई, पांचवा पाई। तो इसका मतलब 5 पाई का मतलब क्या हुआ, आप यहां पर हैं। समझ में आ रही बात? मतलब 5 पाई को ना कैसे गिनो, अलग अलग एक एक पाई करके गिनो, पाई फिर पाई फिर पाई फिर इस पाई, इस तरह, मतलब पाई पाई करके गिनो, ठीक है। और पाई का मतलब क्या हुआ? हाफ चक्कर, ठीक है भाई। 2 पाई का मतलब पूरा चक्कर, तो पाई का मतलब क्या हुआ? हाफ चक्कर। तो आप इस 5 पाई को कैसे गिनोगे? 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और यहाँ पे पांचवा पाई, ये आ गया 5th पाई। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है? माइनस, माइनस हो रहा तो पीछे जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? सेकंड। तो सेकंड में 10 की वैल्यू माइनस 5 पाई। भाई पाई है ना तो इवन ही होता है, 5 पाई है तो इवन। जब तक पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 नहीं दिखेगा तो ऑड नहीं, मतलब वो नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अगर पाई है, पाई है तो चेंज नहीं, पाई बाय 2 है तो चेंज, ठीक है। तो यहां पे क्या है? पाई है, ठीक है, तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 10 का 10 रहेगा और ये पाई बाय 4। अच्छा 10 पाई बाय 4 मतलब 10 45, और 10 45 की वैल्यू 1, तो -1 आ गया आंसर। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिनको नहीं समझ में आया एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, वैसे समझ में आ गया होगा। हाँ जी sin 17 पाई बाय 6, यही है। अच्छा तो साइन, इसको मैं 3 पाई माइनस पाई बाय 6 लिख सकता हूं। क्यों? 3 6 3 जा 18, 18 में से बन गया 17। अच्छा अब किसकी बात हो रही है? 3 पाई की। तो 3 पाई क्या है? 1 पाई 2 पाई 3 पाई, आ गया यहां पर। अच्छा 3 पाई के बाद क्या हो रहा है? माइनस, तो माइनस होगा तो इसी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव और पाई दिखाई दे रहा है, तो नो चेंज। और ये पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाय 2, ठीक है। अब देखिए एक और करा देता हूं, एक लास्ट और करा देता हूं, यही था ना, क्या था? sec 13 पाई बाय 4, एक ही लास्ट करा देता हूं, बाकी जो दो तीन बच गए खुद गिरेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये क्या बन गया? sec 13 पाई बाय 4 का मतलब क्या बना, जल्दी बोलो भाई। 4 3 12 मतलब 3 पाई प्लस में पाई बाय 4, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 और 1 13, ठीक है। अब वही 3 पाई है, तो 3 पाई का मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई। अब देखो ये आ गया 3 पाई, अब क्या हो रहा है? ऐड, ऐड होने के बाद आगे बढ़ेगा, क्वाड्रेंट कौन सा आया? थर्ड। थर्ड में सेक की वैल्यू नेगेटिव, पाई है, नो चेंज, पाई बाय 4। हाँ भाई सेक पाई बाय 4 मतलब sec 45 की वैल्यू √2, आंसर -√2। तो इतना सिंपल था है बच्चों, ठीक है। मानता हूं ये वाला मैंने टाइप नहीं कराया था, इसलिए तो आपको डाउट आया होगा, लेकिन अब आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल से थे, नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे मैं 3.2 के अंदर 1 से लेके 5 तक के जो क्वेश्चन है वो कराने जा रहा हूं, जिसके लिए आपको क्वेश्चन में जो मैंने आपको फॉर्मूले वाली क्लास थी ना, फॉर्मूले लिखवाए थे बहुत सारे, उन फॉर्मूले को फटाफट रिवाइज, एक बार वीडियो पॉज करके फटाफट एक बार उसको क्या कर लो, दोहरा लो, जल्दी से उसको एक बार दोहरा लो, 2 4 मिनट का टाइम लेके। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूले अब आपके सामने आने वाले हैं। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, अब जो गाड़ी शुरू होगी ट्रिग्नोमेट्री की, वो बिना फॉर्मूले के नहीं हो पाएगी स्टार्ट।
अगर आप लोगों ने फॉर्मूले नहीं रिवाइज किए होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो भाई इस बात की तो गारंटी ले लो कि आपको क्वेश्चन फिर समझ में आने वाले नहीं है। हाँ, लेकिन जिस बच्चे ने ईमानदारी से एक या दो बार उस फॉर्मूलों को पढ़ा होगा या एटलीस्ट एक बार कम से कम लिख के देखा होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात की मेरी गारंटी है कि आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिरकार हमें क्वेश्चन करना क्या था। ठीक है, तो मैं ये मिटा रहा हूं, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, वो आपका एनसीईआरटी का हो जाएगा 3.2। थ्री पॉइंट टू का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको ना एग्जाम्पल नंबर 6 करवा रहा हूं, ठीक है। और लिखा पता है क्या है? लिखा है इफ कॉस एक्स बराबर -3/5। ठीक है, कह रहा है कि अगर कॉस एक्स की वैल्यू माइनस का 3/5 है और ये जो एंगल है ये एक्स, कह रहा है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, कह रहा है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो बताइए बाकी के पांच ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू क्या है? बाकी के पांच ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो जरा ध्यान से सुनिएगा, बाकी के पांच ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू की वैल्यू क्या पूछी गई? मतलब कॉस एक्स दिया है तो बाकी के पांच होंगे कौन से? एक तो साइन होगा, साइन एक्स, कॉसेक एक्स, सीकेंट एक्स, टेन एक्स और कॉट एक्स। तो इन पांचों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मतलब दी गई है वैल्यू एक की और फाइंड करनी है पांचों की। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, अब अगर आपको 10th के फॉर्मूले याद होंगे तो आपको कितने इजी तरीके से कराने वाला हूं ये ध्यान देखिए। सिर्फ 10th के बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। अगर 10th के बेसिक फॉर्मूले याद है तो लीजिए 2 मिनट में हो जाएगा काम। मुझे इतना बताइए कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक होता है, सही बात है। तो चलिए, क्या मैं इसका रिलेशन ऐसे लिख सकता हूं? नाउ वी नो दैट, क्या जी, अगर उल्टे की बात करें तो जो सेक एक्स का उल्टा होता है वो 1/cos x होता है। मानते हो इस बात को भाई, सेक एक्स का जो उल्टा होता है वो 1/ में क्या होता है? कॉस एक्स होता है, सही बात है। चलो 1/cos x की वैल्यू बताओ कितनी है? माइनस का 3/5। आप पलट दो इसको तो क्या बन जाएगा? 5। अच्छा आपको पता ही है माइनस तो ऊपर ही आ जाता है 3, तो माइनस का 5/3। तो प्यारे बच्चों sec x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 5/3। ये कंप्लीट हो गया। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर यहां cos है तो sec की वैल्यू निकाल लो, sin है तो cosec की निकाल लो, tan है तो cot की निकाल लो। मतलब जो भी आपको दिया हुआ है ना, तुरंत सोचो कि उसका उल्टा क्या होता है। जो भी दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कॉस में, साइन दिया हो तो उसका उल्टा कॉस एक्स सोच लो, टेन दिया कॉट सोच लो, कॉट दिया टेन सोच लो, कॉस एक्स दिया साइन सोच लो। तो इस तरीके से मतलब क्या है, जो भी आपको दिया हुआ है तुरंत उसका उल्टा सोचो, तो एक की वैल्यू निकल गई। चलिए अगले पे आते हैं। अच्छा अब हमें दिया क्या है? कॉस। अब हमें दिया क्या है? कॉस। अब हमने तीन आइडेंटिटी पढ़ी थी जिससे हमने कुछ फॉर्मूले बनाए थे, याद है? अच्छा कॉस की आइडेंटिटी क्या होती है? तो ये होती है, वी नो दैट कॉस की आइडेंटिटी क्या होती है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। याद आया? यही होती है आइडेंटिटी, हा कि ना? चलिए अब मेरे पास कॉस की वैल्यू है, निकालनी किसकी है? साइन की। चलो निकालें भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस की चीज वहां जाके क्या बन जाएगी? माइनस की। यही है। अच्छा एक चीज और सिखाई थी कि जब स्क्वायर उठ के उस तरफ जाता है तो क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। यहां तक की बात भी हो गई थी, ठीक है। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब करना यह है कि साइन एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस की वैल्यू हमें पता है कितनी वैल्यू है, माइनस का 3/5, और फिर इसके ऊपर है क्या?
स्क्वायर, तो जब स्क्वायर है तो यहां भी हम लगाएंगे स्क्वायर। ये आ गया आपका साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, 25 - 9 अपॉन में 25, पता है ना कैसे, इससे इससे और इससे। तो साइन एक्स अंडर रूट 16 अपॉन में 25। और प्यारे बच्चों अब ना इसको बाहर निकालते वक्त एक बात ध्यान रखना, बाहर निकालने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जब आप इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, 16 किसका होता है स्क्वायर रूट 4 का, और ये 25 किसका होता है 5 का। लेकिन बच्चों जब भी कोई चीज रूट से बाहर निकालते हैं तो हमने छोटी क्लासों में सीखा है कि उसके बाहर प्लस और माइनस दोनों आ जाता है, उसके बाहर क्या आ जाता है, प्लस और माइनस दोनों आ जाता है। अब आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अब ना देखो, 10th में आप क्या करते थे, हर बार वैल्यू प्लस वाली ले लेते थे, यही था ना। लेकिन बच्चों इस बार आप ऐसा नहीं कर सकते, इस बार या तो आपको वैल्यू प्लस की लेनी है और या तो आपको वैल्यू माइनस की लेनी है, और इसमें भी आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि हाँ भाई अरे मेरा मन कर रहा है प्लस का तो प्लस की वैल्यू उठा ली, मेरा मन कर रहा है माइनस का तो माइनस की वैल्यू उठा ली, नहीं ये नहीं चलेगा। करना क्या है ध्यान से देखिए, अब जो आपको वैल्यू प्लस और माइनस में उठानी है ना, वो किसको देख के उठाना है, क्वाड्रेंट को देख के, किसको देख के, क्वाड्रेंट को देख के। इस बात का ध्यान रखना बच्चों मेरी बातों को, एक एक बात को ध्यान से सुनना, मैं इसलिए इतनी धीरे धीरे क्वेश्चन करा रहा हूं, कराने को 2 मिनट में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन इतनी धीरे धीरे कराने का रीजन क्या है कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो। अब इसकी वैल्यू या तो प्लस या तो माइनस लेंगे, अब वो किसको देख के लेंगे, क्वाड्रेंट को। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वाड्रेंट यहां पे आपको क्या दिया गया है, थर्ड क्वाड्रेंट, सही बात है। और जल्दी से अगर आप लोगों ने फॉर्मूले रिवाइज कर लिए होंगे तो आपने क्वाड्रेंट भी रिवाइज किया होगा जिसमें साइन एक्स की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में कैसी होती है, जल्दी बता दो, याद करो, ऑल स्कूल टू, यानी थर्ड पे क्या आया, टू, तो मतलब टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब साइन की वैल्यू कैसी होगी प्यारे बच्चों, नेगेटिव होगी। और यहां पे ना आपको रीजन लिखना है, बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये रीजन आपको लिखना है, अगर रीजन नहीं लिखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी वहां पे, वो नहीं नंबर काट लेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपने साइन की वैल्यू क्या लिखी, माइनस का 4/5। क्या मेरे सभी बच्चों को क्लियर हो गया, अच्छा देखो अब साइन की वैल्यू भी आ गई। अब जैसे ही आपने साइन की वैल्यू निकाली तुरंत उसका उल्टा भी निकाल लो, नाउ कॉसेक एक्स, प्यारे बच्चों कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/ साइन एक्स, साइन कितना है माइनस का 4/5, पलट दो 5 या माइनस ऊपर ही चला जाएगा 4, तो कॉसेक एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 5/4, क्या आ गया बच्चों, माइनस का 5/4, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब कॉसेक भी निकल गया, अब टेन और कॉट निकालना है, अब आपको बेसिक रूल तो पता ही है ना, क्या बच्चों मैं कह सकता हूं कि टेन एक्स जो है वो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स के बराबर होता है कि नहीं, बिल्कुल। साइन की वैल्यू ताजा ताजा क्या निकली, माइनस का 4/5, और कॉस एक्स की वैल्यू ताजा ताजा पहले से ही, ताजा क्या, बहुत पहले से ही दे रखी है, क्या माइनस का 3/5, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने बताया था ना बटे के नीचे बटा पलट जाता है, माइनस से माइनस तो कटेगा ही, 4/5 पलट दो इसको, पलटो तो 5 ऊपर 3 नीचे, 5 से 5 कैंसिल, तो मेरे प्यारे बच्चों टेन एक्स की वैल्यू क्या बन चुकी है, टेन एक्स की वैल्यू क्या बन चुकी है, 4/3। अब जल्दी से मुझे बता दो क्या थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होती, होती है ना, देखो अपने आप आ गई, क्या करने की जरूरत पड़ा हमें, नहीं पड़ी हमें जरूरत भाई करने की, अपने आप पॉजिटिव आ गई, तो टेन आ गया, जब टेन आ गया तो टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट, तो बस नाउ कॉट एक्स बराबर 1/10x, तो टेन की वैल्यू 4/3 पलट दो 3/4, तो लो जी कॉट एक्स की वैल्यू आपके सामने। और इसी के साथ ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया, और ये फ्री के नंबर है, बस आपको वैल्यू देखनी है, क्वाड्रेंट देखना है, सॉल्व कर देना है, बात खत्म। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस कुछ बेसिक फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए थे वही याद करने हैं और वही पुट करना है, सॉल्व हो गया, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं। तो प्यारे बच्चों अब ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कॉट एक्स इज इक्वल टू -5/12। और प्यारे मेरे मेरे प्यारे बच्चों एक्स आपको कौन से क्वाड्रेंट के लिए बोला गया है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बोला गया है, पल्ले पड़ रही है, और कह रहे हैं बाकी के 5
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालिए। तो वैल्यू कौन सी, कॉट है तो बचा क्या क्या, साइन बचा, कॉस बचा, कॉसेक बचा, सेक बचा, और कॉट तो है ही तो टेन बचा, ये पांच निकालने हैं। अब मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो भी आपको दिया हो तुरंत उसके उल्टे के बारे में सोचिए, कौन होता है कॉट का उल्टा टेन। नाउ वी नो दैट, हाँ जी, टेन एक्स क्या होता है, वन अपॉन में कॉट एक्स, कॉट की वैल्यू माइनस पांच बटा बारह, पलट देंगे बारह बटा पांच, माइनस तो ऊपर जाता ही है तो टेन एक्स की वैल्यू आ गई माइनस बारह बटा पांच, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, आप जो आपको ये कॉट दिया हुआ है इस कॉट का रिलेशन आइडेंटिटी में किसके साथ होता है, कॉसेक के साथ, क्लियर, लीजिए वी नो दैट, जो भी आपको ये दिया हुआ है वो निकालिए। तो भाई कॉट का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, याद आया। चलिए मुझे कॉसेक की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, कॉसेक एक्स, ये माइनस की चीज वहां जाके क्या हो जाएगी, प्लस की, और इसके ऊपर का स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, अंडर रूट, यही बनेगा ना बच्चों। चलो अब आता है ये कॉसेक एक्स बराबर अंडर रूट वन प्लस कॉट की वैल्यू कितनी है, पांच बटा बारह, माइनस का पांच बटा बारह स्क्वायर, ठीक है। अब आता है कॉसेक अंडर रूट वन प्लस पांच का स्क्वायर पच्चीस, बारह का वन फोर्टी फोर, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो कॉसेक एक्स, हाँ जी, क्रॉस मल्टीपल 144 को 1 से, 144 प्लस 25 अपॉन में 144, तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स 169 अपॉन में 144, बाहर निकालो कॉसेक एक्स, हाँ जी 169 किसका होता है 13 का, 144 होता है 12 का, लेकिन बाहर निकलने पे प्लस और माइनस दोनों, सही बात है। अब बात आती है प्लस ले या माइनस, तो प्लस ले या माइनस में क्या लेंगे बच्चों, हम लेंगे वैल्यू प्लस की, हम किसकी वैल्यू लेंगे प्लस की, क्यों वैल्यू लेंगे भाई प्लस की, क्योंकि एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और आपको अच्छे से पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो देखो कॉसेक निकल गया नाउ, तो जब कॉसेक निकल गया मेरे बच्चों, कॉसेक भी निकल गया और टेन भी निकल गया, जब कॉसेक निकल गया तो उसी का उल्टा कौन होता है साइन, तो साइन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन में कॉसेक्स, ठीक है। कॉसेक्स की वैल्यू तेरह बटा बारह, पलट दो बारह बटा तेरह, तो साइन की वैल्यू क्या आ गई बारह बटा तेरह, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई समस्या नहीं, चलो साइन भी निकल गया। अब रह क्या गया कॉस और सेक, तो लीजिए नाउ। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, जो टेन एक्स होता है वो साइन अपॉन में कॉस एक्स होता है, होता है कि नहीं होता, जल्दी बोलो, होता है ना। अच्छा अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस की, तो एक काम करो कॉस को उठा के उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा ये टेन एक्स मल्टीप्लाई में कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, क्यों ले गया मैं, क्योंकि यहां डिवाइड कर रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई। अब वैल्यू निकालनी किसकी है, कॉस की, तो कॉस को यहीं छोड़ दो, टेन को नीचे ले आओ, टेन को नीचे ले आओ। साइन कितना बच्चों, साइन अभी अभी हमने निकाला बारह बटा तेरह, और टेन कितना बच्चों, टेन हमें निकला है माइनस का बारह बटा पांच, माइनस का बारह बटा पांच, पलट दो कॉस एक्स बारह बटा तेरह, रेसिप्रोकल करेंगे फाइव ऊपर ट्वेल्व नीचे, माइनस 12 से 12 कट गया, तो cos x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 5 बाय 13 आ गया cos, ठीक है। और cos आ गया तो आपको sec निकालने में ज्यादा जरूरी लगेगी नहीं, नाउ sec x क्या होगा 1 अपॉन में cos x, माइनस का 5 बटा 13 पलट दो माइनस का 13 बटा 5, तो ये आ गया आपका sec x, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, कोई भी समस्या, क्लियर हो रहा है सारा। तो देखो कितना सिंपल कंटेंट है, तो बस आपको इस तरीके से 3.2 के एक से लेके पांच तक के क्वेश्चन कवर करने हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों के बिल्कुल सही आंसर आएंगे, ठीक है। तो फटाफट ये नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं 3.3 के कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं वो कराने जा रहा हूं, ठीक है। अब वो कराने के बाद फिर इस क्लास को आज मैं यहीं ओवर करूंगा, क्योंकि 3.3 के लिए
हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, और उन फॉर्मूलों को पढ़ने के लिए हमें काफी टाइम और काफी देर तक उसको यानी एनालाइज करना पड़ेगा, तो इसलिए उसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं अभी आपको 3.3 के कुछ दो चार क्वेश्चन हैं वो कवर करा रहा हूं, तो फटाफट देखिए। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना और 3.2 के पांचों क्वेश्चन करना, ठीक है? चलिए, तो बच्चों ये 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, और आपको थर्ड और फोर्थ करना है, ठीक है? मैं फर्स्ट और सेकंड करा रहा हूं, थर्ड और फोर्थ आपको करना है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं 3.3 के बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा, याद करवाऊंगा, और प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो जरा एक एक करके ध्यान से देखिए, ठीक है? तो लीजिए शुरू करते हैं। अब जैसे ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, इनको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे किया जाए ध्यान से देखिए बच्चों। पहले इसको देखिए, मैंने क्या बताया था, जब भी पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 4 किसी के साथ कंबाइंड रूप में हो तो पहले अलग करते हैं, लेकिन क्या ये आपको कोई कंबाइंड रूप दिख रहा है? नहीं ना, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते चलो। साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। कॉस पाई बाय 3 मतलब कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। टेन पाई बाय 4, टेन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है भाई? टेन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, यानी कि 10/45। भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ऐड एलसीएम लेंगे 4, हाँ जी 4 से 4 कटा 1, 4 से 4 कटा 1, 4 का 1 से डिवाइड कितना आएगा? 4, 4 बन जा 4, ठीक है? तो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया 1 + 1 2 − 4/4, ये आ गया माइनस का 2/4 कैंसिल आउट, तो ये आ गया बच्चों माइनस का 1/2। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है? अब इस पे आ जाते हैं, अब देखिए, ठीक है? अच्छा एक बात और लिखना भूल गया, सॉरी, यहाँ पे ना आप LHS जरूर लिख देना, ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया इस तरीके से, यहाँ पे भी LHS लिखेंगे। चलिए 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6, अलग करने की जरूरत नहीं है, पाई बाय 6 कितना होता जल्दी बोलो? 30, 1/2 का स्क्वायर प्लस, हाँ जी, कॉस स्क्वायर 7π/6। लो जी, अब देखो, अब हमें अलग करना पड़ेगा। अलग करने से पहले काम आपको क्या करना है, पहले मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। अलग करने से पहले आपको ये करना है कि इसका जो स्क्वायर है ना वो इसके ऊपर ले लो, ठीक है? क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स लिखो चाहे कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर इसके ऊपर पहुंचा दिया। अच्छा अब आता कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, भाई पाई बाय 3 को तो अलग करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कॉस 60 होता है, और कॉस 60 कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर, ठीक है? चलिए ये 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अच्छा कॉस 7 पाई बाय 6 है, इसको कैसे अलग करेंगे? कॉसेक पाई प्लस में पाई बाय 6, यही तो बनेगा, हा कि ना? और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कैंसिल हो गया 1/2 प्लस। अच्छा अब आता है कॉसेक पाई प्लस में पाई बाय 6, ये रहा पाई, पाई प्लस में पाई बाय 6 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड, थर्ड में कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव, लेकिन पाई है तो चेंज नहीं होगा, और साथ में पाई बाय 6 इसका स्क्वायर 1/4। अच्छा अब प्यारे बच्चों, किसी माइनस वाली चीज का स्क्वायर करेंगे तो वो वापस किस में बन जाएगा? प्लस में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना? कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 6, सही बात है, इंटू में 1/4। अच्छा कॉस स्क्वायर पाई बाय 6, अच्छा तो कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 6 का मतलब क्या हुआ? कॉसेक पाई बाय 6 का मतलब होता है कॉसेक 30, ठीक है? और कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, और इसके ऊपर स्क्वायर 1/2, 2 का स्क्वायर 4, 1/4, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है? तो क्या बचा? 1/2 प्लस 1, हाँ जी, तो क्या आएगा? एलसीएम आया 2, 2 से 2 कैंसिल 1, 1 से ये 2, 2 ये 3/2, तो देखिए हैंस प्रूव्ड हुआ, ठीक है? ऐसे भी समझ में नहीं आया तो आपको ये बताइए कि 1 से 2 से 2 से इस तरीके से, तो क्या आ गया आपका 3/2। तो प्यारे बच्चों इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? बस इस बात का ध्यान रखना कि अगर सेपरेट करने की की नौबत आ गई अगर, तो आपको स्क्वायर ऊपर ले जाना है, स्क्वायर क्या करना है? ऊपर ले जाना है, ताकि उसको सॉल्व करना क्या हो? आसान हो, ठीक है?
तो बस बच्चों पहला दूसरा क्वेश्चन मैंने ये करवा दिया, तीसरा चौथा आप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को 3.3 के फॉर्मूले और उसके क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर्मूले और उसके क्वेश्चंस एक एक करके करवाना शुरू करूंगा और ए टू जेड सारे फॉर्मूले हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, इसके बाद हम लोग 3.3 की क्लास में मिलेंगे। चलिए टाटा बाय बाय।